आपके लेकर आई हूँ ये ऊन से बना हुआ डोरमेट। देखिए मैंने इसमें राउंड लगाए हुए हैं, ये एक ही साथ बना है पूरा डोरमेट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए आइए हम इसे बनाना सीखते हैं। मैं डोरमेट सिखाने जा रही हूँ, ये देखिएगा गोल गोल राउंड में आएगा, ये दोनों साइड से बिछेगा, इधर चैन चलेगी और पीछे साइड से इधर से इधर साइड भी बिछेगा, दोनों साइड बिछा सकती हैं आप। मैंने 10 फंदे डाले हैं, इनको इस तरह से बिनेंगे, उल्टा ही उल्टा चलेगा इसका। एक फंदा हम लास्ट में छोड़ देंगे, इसको गोल बनाने के लिए एक फंदा छोड़ेंगे, हर सिलाई में एक एक फंदा छोड़ते जाएंगे इस तरह से। एक छोड़ दिया, फिर इसको उतार के इस तरह से बिनते जाएंगे। और ये ऊपर वाला फंदा हम सीधा बिनेंगे इस तरह से, जो चैन बनती जाए इधर से उतार लेते हैं इस तरह से, ये देखिएगा। फिर उल्टी सिलाई हमारी उल्टी ही जाएगी, एक फंदा हम फिर उतार लेंगे तो हमारे पास दो फंदे हो जाएंगे इस तरह से। उतार लेंगे पूरा फंदे उतार लेंगे, दो उतर गए हैं, मैं यहाँ तक उतारूँगी, दो फंदे छोड़ के सारे उतार दूँगी इसी तरह से बिन बुन के। जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे तब हम आपको अब दिखाएंगे। दो फंदे बचे हुए हैं मेरे पास, दो को हमने बिन लिया है, हमने सिर्फ उतारेंगे नहीं, अब हम पूरी सिलाई इसी तरह से ले जाएंगे, इसको उधर से भी इसी तरह से ले आएंगे ऊपर की साइड पे। ये गोल बनाना है बिल्कुल, ये भी फंदा बिन लेंगे, इधर से भी अभी उतारेंगे नहीं, पूरी सिलाई इसी तरह से बिनेंगे। जब उधर साइड से आएंगे तो हम उतारना चालू फिर कर देंगे इसी तरह से, फिर उतारते जाएंगे और बुनते जाएंगे, तो ये हमारा गोल हो जाएगा बिल्कुल। ये गोल गोल आ रहा है, इसी तरह से पूरा राउंड अगर हम लगा लेंगे तो गोल हो जाएगा, ये देखना। फिर हम फंदा उतार देंगे, इसी तरह से बनेगा गोल गोल। एक उतार दिया, फिर इधर से बिन लिया, अब हम आगे और बना लेंगे तब हम बताएंगे आपको। ये देखिएगा मैंने हाफ बना लिया है, हाफ से और थोड़ा ज़्यादा, तो इसी तरह से बना रही हूँ जिस तरह से आपको हमने यहाँ बताया था। ये देखिएगा दो फंदे मेरे छूटे हुए हैं और ये मैं बिन लेती हूँ, एक एक करके छोड़ना है, फिर दो सिलाई सादा निकालना है, उसके बाद ये कली कली सी नहीं बन रही है देखना, ये इतनी कली कली सी बन रही है, इसी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी कली कंप्लीट हो गई है। दो फंदे लास्ट में छोड़ना है, बाकी आठ फंदे उतारना है बिन बुन के, और एक उतारते जाना बाकी बिनते जाना, फिर दो उतारना फिर तीन उतारना, इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। ये हमारा आगे बढ़ गया, हाफ से ज़्यादा हो गया है, और अभी तीन कली और हम इसी तरह से बनाएंगे तो हमारा गोल हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, गोला हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इन फंदों को मैं उतार दूंगी, ये देखिएगा बिल्कुल आ रहा बराबर पे और पूरा गोला बनके तैयार हो गया है, ये देखिएगा। अब मैं उतार रही हूँ इन फंदों को, उतार दूंगी, नौ फंदों को उतारूंगी, दो का एक करते जाएंगे और यहीं से उतरेगा ये बीच में, ऊपर से नहीं उतारेंगे नीचे ही से उतारेंगे। ये देखिएगा एक फंदा मैंने यहाँ पे से छोड़ रखा है और एक फंदा में इधर जो चैन बनी है वहाँ से एक हम ये फंदा इस तरह से निकाल लें, इसमें से निकाल के और इन दोनों को इस तरह से कर लेंगे, उसी में एक फंदा हम मुझे बढ़ा लेना है। ये देखिएगा इसको मैंने इस तरह से करके उधर की सिलाई से मैं बढ़ा लूँगी इसको, दो का तीन करना है मुझे,
इस तरह से। इस फंदे को मैं उतार लूँगी, इस फंदे को मैं इस तरह से सीधा बिन लूँगी। सीधा बिनते हुए इधर से मैं मुझे उतारना है। अब मुझे फंदा फिर एक यहाँ पे एक और बढ़ाना है इस तरह से, चाहे उधर से बढ़ाओ चाहे इधर से बढ़ाओ। अब एक फंदा जे हमें इस तरह से इसमें से ऊपर ही से लेना है, ऐसा नीचे से नहीं लेना है, डिजाइन नहीं बन पाएगी आपकी। एक का दो हमें एक जो भरा हुआ है इस तरह से करना है। इसी तरह से हमें 10 फंदे करने हैं और यहीं से फंदा हम उल्टी सिलाई से फिर बढ़ा लेंगे। इसको मैं सीधा बना लेती हूँ, एक फंदा हर एक सिलाई छोड़ के बढ़ाना है। इस तरह से बढ़ा लो, यह आप जिस तरह चाहें उस तरह बढ़ा सकती हैं। इसमें इस तरह से हम एक उठा के दो का एक कर देते हैं। इसी तरह से अब हम 10 का यहाँ पे भी चैन चलेगी, इधर भी साइड पे चैन चलेगी और बीच में हमारे 10 फंदे हो जाएंगे तो सीधा सीधा राउंड लगने लगेगा। ये देखिएगा मैंने 10 फंदे बढ़ा लिए हैं, इधर से भी सीधा लगेगा और इधर से भी सीधा लगेगा। आप चाहें तो दो कलर लगा लेना या तीन कलर में बना लेना, राउंड राउंड तीन कलर हो जाएंगे। इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ से फंदा उठ के जैसे हमने ये उठा लिया, इसको दो कर दिया, ये चेन बनती जाएगी। इसी तरह से जब हम इसका एंड करेंगे तो इसी तरह दो का एक कर करके इसी में हम एक कर दो का एक इस तरह से करके तीन का एक इस तरह से करके इसका एंड कर देंगे। हर सिलाई कम से कम 5-6 सिलाई निकाल के उसी समय फिर एंड हो जाता है। ये देखिएगा इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, राउंड राउंड पूरा होता जाएगा। और आप चाहें तो जितना बड़ा चाहें उतना बना सकती हैं। ये हमारा देखिएगा, ये इसी तरह से हमने बनाया है। ये यहाँ से देखो शुरू किया है हमने यहाँ से, फिर जी ये राउंड इस तरह से गया है, फिर इस तरह से गया है, फिर यहाँ देखिएगा मैंने एंड कर दिया है इस तरह से। इसी तरह से ये बन जाएगा।